बिलासपुर जिला के गुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गांव भद्रोक में एक दिल दहला देने वाला मामला तब सामने आया जब 43 वर्षीय रामकृष्ण ने आपसी झगड़े के चलते अपनी पत्नी को जमकर पीटा और उस पर कैरोसिन छिड़कर आग लगा दी और उसके बाद खुद भी जल गया। वहीं इस पूरी वारदात में उनकी 8 वर्षीय बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर गुमारवीं थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया कि मामले को लेकर हर पहलू की गहनता से जाँच की जा रही है। बिलासपुर जिला के गुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गांव भद्रोक में एक दिल दहला देने वाला मामला तब सामने आया जब 43 वर्षीय रामकृष्ण ने आपसी झगड़े के चलते अपनी पत्नी को जमकर पीटा और उस पर कैरोसिन छिड़क कर आग लगा दी और उसके बाद खुद भी जल गया। इस पूरी वारदात में उनकी 8 वर्षीय बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कृष्ण करीब 2 महीने तक घर से बाहर रहने के बाद अपने घर पर आया था और घर पर आने के बाद सही तरीके से रह रहा था कि अचानक पत्नी कांता ने उनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिस पर रामकृष्ण ने हथौड़ा उठाकर कांता देवी के सिर पर वार किया, जिससे कांता देवी के सिर पर काफी चोट आई व कांता देवी ने उसकी गोद ली लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिस पर रामकृष्ण ने अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत इकट्ठा हुए और दरवाजे को तोड़कर घर में घुस गए, जहां रामकृष्ण ने पहले से ही अपने और अपनी घरवाली के ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ था। तुरंत माचिस निकाल कर आग लगा दी, जिससे दोनों पति पत्नी आग की चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं घायल बच्ची को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल घुमार भी लाया गया, जहां उसका उपचार करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर घुमारवीं थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया कि मामले को लेकर हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि भद्रोह गांव में एक व्यक्ति ने अपनी माता को कुंडी लगा के बंद कर दिया है घर वाली को, और वहां पे आग लगा। जिस सूचना पर पुलिस टीम, फायर की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर गांव के भी अन्य लोग मौजूद थे, जिनकी मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे के अंदर आग लगी हुई थी। आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद क्या हुआ कि फर्श पे मृतक और मृतका रामकिशन व उसकी पत्नी कांता देवी की लाश बरामद हुई। लाश को कब्जे में लिया जा चुका है, उसका निरीक्षण किया जा चुका है और इसके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत जैसी होगी कार्रवाई में लाई जाएगी। अभी तक की छानबीन में ये पाया है, ज्ञात हुआ है कि ये काफ़ी 2-3 महीने पहले से अपने घर से लापता था, घर में नहीं आया था, जिसकी कार्रवाई महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। उसके बाद ही कुछ दिनों पहले, लगभग 4-5 दिन पहले वापस अपने घर में आया था, परंतु घर में आने के बाद से उसके अपनी पत्नी से बातचीत ना कर रहा था, जो संबंध ठीक ना थे। जो आज सुबह जो ये घटना घटी है, जो इसके पोस्टमार्टम करवाने के बाद जैसी भी कार्रवाई, मृतक के शरीर में चोट के निशान है, जिसके बारे में चिकित्सक से राय लेने के दौरान जो भी होगी उसमें कार्रवाई करेगा।